कुछ लोग अमरनाथ को स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग भी कहते हैं, तो कुछ मोक्ष प्राप्ति का स्थान। लेकिन यह सत्य है कि यहाँ जो भी भक्त पहुँचता है वह भगवान शिव के स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही धन्य हो जाता है। हालांकि यहाँ पहुँचना आसान नहीं है। अमरनाथ पहुँचने के बाद भी अमरनाथ के पवित्र गुफा तक पहुँचने के लिए बहुत ही लंबी यात्रा और चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। अमरनाथ हिंदू धर्म के पवित्रतम व प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है, जो कि भारत के जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के उत्तर पूर्वी में 135 किलोमीटर दूर समुद्र तल से 13,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर साल यहां बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। सभी को नमस्ते प्रणाम। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यूके कपल राइडर पर। आज के इस वीडियो में हम जम्मू के अनंतनाग जिले में स्थित बाबा बर्फानी यानी कि अमरनाथ यात्रा की हम बात करने वाले हैं। अगर आप भी अमरनाथ जाने की योजना बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको 2023 की श्री अमरनाथ यात्रा से जुड़ी कुछ न्यू अपडेट देखने को मिलेंगी, जो श्री अमरनाथ साइन बोर्ड ने 2023 में डिक्लेयर कर दी है। अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अमरनाथ यात्रा कैसे करनी है, अमरनाथ यात्रा करने के लिए आपको कितना किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, 2023 में अमरनाथ यात्रा कब से स्टार्ट होने वाली है, अमरनाथ यात्रा कितने दिन की होने वाली है, अमरनाथ यात्रा में आपके रुकने और खाने पीने की क्या व्यवस्था है, और अमरनाथ यात्रा के दौरान आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, यह सभी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और लास्ट में मैं यह भी बताऊंगी कि अमरनाथ यात्रा में आपका टोटल बजट कितना आ जाएगा। अगर आप यह वीडियो बिना स्किप किए पूरा देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता उसके बाद आपको किसी दूसरे वीडियो को देखने की ज़रूरत होगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको जम्मू से यात्रा स्टार्ट करके अमरनाथ से वापस जम्मू तक आपको कैसे आना है, किन किन चीज़ों का आपको सामना करना होगा, कैसे कैसे आपकी सारी चीज़ों की व्यवस्था होगी, हर छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो दोस्तों, अब बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आप सभी भक्त लोगों के लिए यह एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, अब अमरनाथ यात्रा का पूरी तरह से अपडेट मिल गया है। अमरनाथ यात्रा की जो भी तैयारियां हैं वो पूरी होने के साथ साथ अपडेट होनी भी शुरू हो गई है। इस वर्ष 2023 में अमरनाथ यात्रा 62 दिन की होने वाली है। जी हाँ, इस वर्ष 2023 में अमरनाथ यात्रा से जुड़े सभी अपडेट आ चुके हैं। अब आप रजिस्ट्रेशन और मेडिकल हेल्थ सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं। इस वर्ष अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है। पूरी तरह से अपडेट मिल चुके हैं और जो 2023 की तैयारियां थी वो पूरी होने के साथ साथ अब अपडेट होनी भी शुरू हो गई है। कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट भी आ चुके हैं और जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होते हैं वो भी आ चुके हैं और स्टेट ड्यूटी लिस्ट भी आ चुकी है 2023 के लिए। साथ ही बैंक ब्रांच की भी लिस्ट आ चुकी है और हॉस्पिटल की भी लिस्ट आ चुकी है। यह सभी जानकारी आपको अमरनाथ जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं अमरनाथ कब जाना चाहिए और कौन सा सीजन सही रहेगा। वैसे तो अमरनाथ यात्रा करीब 1.5 से 2 महीने की होती है। अमरनाथ यात्रा जून के एंड से स्टार्ट होकर अगस्त के एंड तक चलती है। इस साल 2023 में अमरनाथ यात्रा की डेट आ चुकी है। इस साल अमरनाथ की यात्रा 1 जुलाई से 31 अगस्त तक चलेगी, यानी कि 1 जुलाई से 31 अगस्त तक अभी तक 62 दिन की यात्रा किसी वर्ष नहीं हुई है। आज तक अमरनाथ यात्रा 50, 55 या 56 दिनों की ही होती थी, लेकिन इस वर्ष 62 दिनों की अमरनाथ यात्रा होने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि आपको अमरनाथ यात्रा के दौरान कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको करवाना होगा रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आप चाहें तो ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं या फिर आप ऑफलाइन भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आप इस वेबसाइट पर जाकर भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और जो दूसरा आपका सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है वो है आपका हेल्थ सर्टिफिकेट या फिर मेडिकल सर्टिफिकेट। हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सभी स्टेट के डॉक्टर्स की लिस्ट बनवाई गई है। इस वेबसाइट के थ्रू आप यहां पर अपना स्टेट चूज करेंगे और उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे तो उसमें आपको डॉक्टर्स की लिस्ट शो होगी। आप उन्हीं डॉक्टर्स के पास जाकर आप अपना हेल्थ सर्टिफिकेट बनवा लें और इस हेल्थ सर्टिफिकेट को भी आप अपने साथ ही कैरी करें। ये डॉक्यूमेंट लगते हैं अमरनाथ यात्रा में। अब बात कर लेते हैं कि आप अमरनाथ यात्रा के लिए कैसे पहुंचेंगे, यानी कि कहां पर और कैसे जाना होगा आपको अमरनाथ यात्रा के लिए। आप देश के किसी भी शहर रहते हैं, आपको सबसे पहले जम्मू या श्रीनगर पहुंचना होगा। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो ट्रेन की कनेक्टिविटी जम्मू तक ही है। श्रीनगर तक
ट्रेन की कनेक्टिविटी नहीं है तो जम्मू तक आप बाय ट्रेन अपने अपने शहरों से आ सकते हैं। अगर आप बाय फ्लाइट जाते हैं तो आप श्रीनगर तक जा सकते हैं। अगर सबसे सस्ते ऑप्शन की बात करें तो वो है आपका बाय ट्रेन। भारत के सभी प्रमुख शहरों से जम्मू तवी पूरी तरह से कनेक्टेड है तो आप जम्मू तवी तक आसानी से बाय ट्रेन आ सकते हैं। उसके बाद आपको जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के बाहर से ही ऑटो स्टैंड या बस स्टैंड मिल जाएंगे। वहां से आपको ऑटो लेकर भगवती नगर यात्री कैंप पहुंच जाए। ऑटो वाला आपको 10 से 15 मिनट में भगवती नगर यात्री कैंप ड्रॉप कर देगा। दोस्तों भगवती नगर यात्री कैंप में सरकार की और अमरनाथ साइन बोर्ड की तरफ से यात्री निवास बनाया गया है जहाँ पर आपको रुकने और खाने की व्यवस्था देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर बड़े बड़े हॉल बने हैं जहाँ पर आपको बेड पिल्लो और ब्लैंकेट दिया जाता है। इसका चार्ज आपसे 100 रुपया लिया जाता है। अगर खाने की बात करें तो अमरनाथ यात्रा में खाने का आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना होगा। अमरनाथ यात्रा में गवर्नमेंट और साइन बोर्ड और आर्मी और बहुत से एनजीओ की ओर से खाने की पूरी व्यवस्था रहती है जहाँ पर आपको बहुत अच्छा अच्छा खाना मिल जाता है जो भोले बाबा का प्रसाद होता है। अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग भगवती नगर निवास से 2 जगह के लिए आपको बस मिल जाएंगी। पहला है आपका पहलगाम और दूसरा है बालटाल। जो अमरनाथ की यात्रा है वह शुरू होती है पहलगाम और बालटाल से। दोनों ही अलग अलग रास्ते हैं तो आपको कौन सा रास्ता चूज करना है यह मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले यह जान लीजिए कि यह 2 रूट हैं, एक है पहलगाम से और दूसरा है बालटाल से। तो आपको भगवती निवास से दोनों जगहों के लिए बस मिल जाएगी। तो जिस दिन आप पहुंचेंगे उस दिन रात में आप यहीं स्टे करेंगे, लेकिन रात में स्टे करने के साथ ही यहीं पास में ही बस बुकिंग काउंटर है जहां से आप अगले दिन के लिए बस का टिकट बुक कर सकते हैं और सुबह आप बस लेकर निकल जाएं जिस भी रूट से आपको जाना है। अब बात करते हैं दोनों रूट के बारे में। पहले बात करते हैं पहलगाम की। अगर आप पहलगाम जा रहे हैं, जो पहलगाम की डिस्टेंस है वह यहाँ भगवती नगर यात्री निवास यानी कि जम्मू से जो डिस्टेंस है वो है 240 किलोमीटर, जिसे पूरा करने में आपको 7 घंटे का समय लग जाता है और जो बस का फेयर होगा वह होगा आपका 600 रुपये और 7 घंटे में आप पहलगाम पहुँच जाएंगे। यहाँ पहुँचने में आपको शाम या रात हो जाएगी तो उस दिन आपको पहलगाम में ही स्टे करना होगा। तो पहलगाम में ही आप नाइट स्टे करेंगे। यहाँ पर जो आपके रुकने की व्यवस्था होती है वो है टेंट। यहाँ पर आपको स्टे के लिए टेंट ही मिलेंगे और टेंट में एक दिन का रुकने का खर्चा आएगा 300 रुपये और खाने की बात करें तो यहाँ पर भी आपको खाना फ्री में मिल जाएगा। तो नाइट स्टे के बाद आप नेक्स्ट मॉर्निंग टेंट से निकलेंगे और यहाँ से आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी जो आपको ले जाएगी चंदनवाड़ी। तो चंदनवाड़ी अगला स्टॉप है जहाँ से आपकी ट्रैकिंग शुरू होगी। पहलगाम से आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है जहाँ से 16 किलोमीटर की दूरी पर है चंदनवाड़ी और आपको 150 रुपये में चंदनवाड़ी टैक्सी पहुँचा देगी। जब आप चंदनवाड़ी पहुँच जाएंगे उसके बाद यहाँ से आपका पैदल ट्रैक स्टार्ट होगा। चंदनवाड़ी से अमरनाथ गुफा की दूरी 32 किलोमीटर है। यह 32 किलोमीटर आपको ट्रैक करके ही जाना होता है। चंदनवाड़ी से जो आपका पहला स्टॉप होगा वो होगा शेषनाग। चंदनवाड़ी से शेषनाग की दूरी 12 किलोमीटर है। शेषनाग में भी आपको रुकने की व्यवस्था है। चंदनवाड़ी से शेषनाग तक पहुंचने में आपको रात हो जाएगी तो आपको रात में शेषनाग में स्टे लेना होगा। यहां रुकने के लिए आपको टेंट मिल जाएंगे। यहां पर रुकने का आपसे 400 लिया जाता है। यहां पर भी खाना आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अगले मॉर्निंग उठेंगे और शेषनाग से आगे का ट्रैक स्टार्ट करेंगे। शेषनाग के बाद जो आपका अगला स्टॉप आता है वो है पंचतरणी। शेषनाग से पंचतरणी की दूरी 14 किलोमीटर है। पंचतरणी में भी आपको खाने की व्यवस्था मिल जाएगी। खाना खाने के बाद आधा एक घंटा आराम करने के बाद आपने अपनी वापस से यात्रा स्टार्ट कर लेनी है। आपने पंचतरणी में स्टे नहीं लेना है। पंचतरणी से 6 किलोमीटर की दूरी पर है अमरनाथ गुफा। अमरनाथ गुफा में पहुंचकर दर्शन करने के बाद आप यहां पर स्टे ले लें। यहां पर भी जो रुकने का चार्ज है वो है आपका 400 रुपये और यहां पर भी आपको खाना फ्री होता है। तो यह था आपका पहलगाम वाला रूट जिसमें आपको अपना ट्रैक कंप्लीट करने में 4 दिन लग जाते हैं। उस नाइट आप यहाँ पर स्टे करेंगे और अगले सुबह आप यहाँ से वापसी करेंगे। इसमें आप चाहें तो सेम रूट को भी फॉलो कर सकते हैं या फिर आप दूसरा रास्ता यानी कि आप गए थे पहलगाम वाले रास्ते से और लौट आएंगे बालटाल वाले से। अब चलिए हम बात कर लेते हैं बालटाल वाले रास्ते की। जो आप जम्मू में भगवती निवास में रुके हैं यहाँ से बालटाल की डिस्टेंस 360 किलोमीटर है और यहाँ से जो बस का चार्ज होगा वो होगा आपका 800 रुपये। 12 घंटे में बस आपको जम्मू से बालटाल ड्रॉप कर देगी।
भरगाम वाले रास्ते से आपको 32 किलोमीटर का पैदल ट्रैक करना होगा और बालटाल वाले रास्ते से आपको पैदल ट्रैक बस 14 किलोमीटर ही करना होता है। तो 14 किलोमीटर का आपका अमरनाथ से बालटाल का ट्रैक होता है। जम्मू से बालटाल तक पहुंचने में आपको रात हो जाएगी, तो उस रात आप बालटाल में ही स्टे ले लीजिए। यहाँ पर आपका टेंट का फेयर 400 होता है, यहाँ पर भी आपको खाना फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अगले मॉर्निंग आप बालटाल से अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे और 14 किलोमीटर का अपना ट्रैक एक दिन में ही कंप्लीट कर सकते हैं। शाम तक या रात में आप अमरनाथ गुफा तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद आप यहां पहुंचकर भोलेनाथ के दर्शन कीजिए और फिर वहां पर नाइट स्टे करेंगे और फिर अगले मॉर्निंग दर्शन करके वापसी कर लेंगे। बालटाल वाले रास्ते में आपको 2 दिन लगेंगे जबकि पहलगाम वाले रास्ते में आपको 4 दिन लग जाएंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इन दोनों रास्तों में से कौन सा रास्ता सही होगा। जो आपका पहलगाम वाला रास्ता है वह सबसे पुराना रास्ता है। यह रूट सबसे ज्यादा लोगों द्वारा यूज में लाया जाता है क्योंकि इस रास्ते में चढ़ाई कम है। इस वाले रास्ते में खड़ी चढ़ाई कम है इसलिए ज्यादातर लोग यही रास्ता फॉलो करते हैं। टाइम भले ही ज्यादा लगे लेकिन आसानी से पहुंच जाएं। जबकि बालटाल वाला रास्ता भले ही 14 किलोमीटर है लेकिन इसमें खड़ी चढ़ाई है जिस वजह से आपकी थोड़ी थोड़ी देर में सांस फूलने लगती है और ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है। जो यंग है वो बालटाल वाला रूट फॉलो करते हैं और जो ओल्ड हैं यानी कि जिनकी फिटनेस थोड़ी कम है तो वह पहलगाम वाला रूट फॉलो करते हैं। आप चाहें तो पहलगाम वाले रास्ते से जाकर बालटाल वाले रास्ते से भी वापसी कर सकते हैं। बहुत से लोग पहलगाम वाले रास्ते से जाते हैं और बालटाल वाले रास्ते से वापस आ जाते हैं। इस तरह से आप दोनों रास्तों को एंजॉय कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप पहलगाम वाले रास्ते से जा सकते हैं या बालटाल वाले रास्ते से। ये तो ही रास्तों की बात। अब बात कर लेते हैं कि इसमें आपके कितने दिन लगने वाले हैं। अगर आप पहलगाम वाले रास्ते को फॉलो करते हैं तो आपके 4 से 5 दिन लग जाएंगे और अगर आप बालटाल वाला रूट फॉलो करते हैं तो आपके 2 से 3 दिन लग जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि अमरनाथ यात्रा में आपका टोटल बजट कितना आ जाएगा। अगर आप बालटाल वाला रूट फॉलो करते हैं तो आपका खर्चा थोड़ा कम आएगा, लेकिन अगर आप पहलगाम वाला रूट लेते हैं तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा। अगर आप बालटाल वाला रूट लेते हैं तो आपको 3 दिन लग जाएंगे जिसमें आपका 2 नाइट का स्टे, बस का फेयर, ऑटो का फेयर, जिसमें आपका टोटल बजट 2.5 से 3 हजार रुपये तक आ जाएगा। वहीं अगर आप पहलगाम वाला रूट लेते हैं तो इसमें आपको 4 नाइट का स्टे लेना पड़ेगा। 4 नाइट के स्टे का खर्चा, जम्मू से पहलगाम जाने और आने का खर्चा, रेलवे स्टेशन से यात्री निवास तक का ऑटो का किराया, यह सभी मिलाकर आपका टोटल बजट 3.5 से 4 हजार रुपये तक आ जाएगा। अब बात करते हैं जो पैदल यात्रा नहीं कर सकते हैं उनके लिए क्या ऑप्शन है। जो बालटाल वाला रास्ता है उसमें बहुत कम ऑप्शन है, वहाँ पर बहुत कम घोड़ा खच्चर पालकी देखने को मिलेंगी, लेकिन पहलगाम वाले रास्ते पर आपको घोड़ा खच्चर पालकी मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको अलग अलग चार्ज पड़ेगा। अगर आप पहलगाम वाला रूट लेते हैं तो घोड़े का किराया 8 से 10 हजार रुपये, पालकी का किराया 25 हजार रुपये और यदि अगर आप हेलीकॉप्टर से अपनी अमरनाथ यात्रा करना चाहते हैं तो इसका किराया आपका 7 से 8 हजार रुपये होता है। और अगर आप बालटाल वाले रूट से हेलीकॉप्टर की बुकिंग करवाते हैं तो इसका किराया आपका 5 से 6 हजार रुपये होता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं अमरनाथ यात्रा के दौरान कुछ जरूरी सामान हैं जो आपको अपने साथ जरूर कैरी करना चाहिए। यात्रा के दौरान आप यह सभी सामान अपने साथ जरूर कैरी करें। अगर आपके मन में अमरनाथ यात्रा से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। अगर आपको अमरनाथ यात्रा को लेकर किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अमरनाथ यात्रा करने के लिए आपके पास इन सभी डॉक्यूमेंट्स का होना भी अनिवार्य है, तो आप यह सभी डॉक्यूमेंट्स जरूर से बनवा लें। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा बर्फानी, आपकी यात्रा मंगलमय हो।